हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? माय नेम इज निशांत एंड आई एम गोइंग टू टीच यू फिजिक्स चैप्टर लेक्चर नंबर 2 मोशन ऑफ 9th क्लास। बेटा, जो आपने हमने जो लास्ट लेक्चर किया था उसमें सारे बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे मोशन के बारे में, ट्रांसलेटरी मोशन, वाइब्रेशनल मोशन और आपका रोटेशनल मोशन, इन सबके बारे में पढ़ा था। तो हम उससे आगे के टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा। और कोई भी प्रॉब्लम होती है आपको तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हो, हम आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग एक एक करके स्केलर क्वांटिटीज के बारे में सब डिफाइन करते हैं, बहुत आराम समझते हैं। ठीक है बच्चों, आराम समझते रहे और हर चीज समझने की होती है, कोई भी रटना नहीं है। फिजिक्स आपकी समझने वाली होती है, अगर याद करोगे रटोगे तो भूल जाओगे। ठीक है, तो इमेजिनेशन करा करो कि वो कैसे रहा है, कि किस टाइप से हो रहा है। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, हम लोग डिफाइन करते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी होती है बच्चों? स्केलर क्वांटिटी होती है। सबसे पहला पॉइंट तो हमें पता चल गया, मतलब इसके बाद डायरेक्शन नहीं होगी। मतलब अगर कोई भी बॉडी किसी पाथ पे चल रही है, ठीक है, व्हेन अ बॉडी मूव इन अ स्ट्रेट पाथ और अ कर्वलीनियर पाथ और अ रेक्टिलीनियर पाथ, वो बॉडी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, क्या उसे हम कहते हैं डिस्टेंस। जब कोई भी बॉडी कोई पाथ ट्रेवल करती है लेकिन उसके पास डायरेक्शन नहीं है, वो चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है, ठीक है, वो से हम कहते हैं क्या डिस्टेंस। द डिस्टेंस क्या कहते हैं हम लोग, द पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट विद चेंज इन टाइम, या फिर द पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्या होता है, डिस्टेंस। द पाथ ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस। उसे हम कहते हैं क्या, डिस्टेंस। अब डिस्टेंस हमेशा ये याद रखना कि हमेशा प्लस होता रहता है। मैंने आपको बताया था कि स्केलर क्वांटिटी हमेशा क्या होती है, ऐड होती रहती है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। अगर कोई बंदा या ह्यूमन बीइंग है, आप आके ले लो, आप अपने आप को खड़े हो, आप लोग यहाँ पर हो तो वो कितने हैं, अब 0 किलोमीटर पर खड़े हो। अब आप चलना चाहते हो, कहाँ चलना चाहते हो, यहाँ पर पहुंचोगे आप तो कितना किलोमीटर, 12 किलोमीटर, यहाँ पहुंचोगे तो कितना किलोमीटर हो गया आपके पास, 15 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक 12, फिर यहाँ से आगे चलोगे तो कितना होगा, 15। तो ये टोटल क्या होगा, ऐड होता रहेगा, ये कितना होता रहेगा आपके पास, ऐड। भाई यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करने का कितना किलोमीटर, 12। जब वो यहाँ से यहाँ चल दिया, वो कितने किलोमीटर चल दिया, 15 किलोमीटर चल दिया, ठीक है, तो कितना हो गया, 12 प्लस 15, कितना हो गया 12 बेटा, ये हो गया आपके पास 7 और 27 किलोमीटर। वो कितना चल दिया, 27 किलोमीटर। अच्छा, वो वापस आएगा घूम के तो भी 27 किलोमीटर चलेगा, तो 27 प्लस 27 कितना हो गया, 54। ठीक है, अब टोटल कितना चल दिया वो, 54। जब वो यहां से कहां चला, जब वो यहां से यहां चला 12 किलोमीटर, फिर 12 से यहां चला 15 किलोमीटर, तो टोटल कितना हो गया, 27 किलोमीटर प्लस होता गया। जब वो वापस आया अपने घर पर या अपनी पोजीशन पर तो भी 27 किलोमीटर चलेगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, 54। ठीक है बच्चों, तो जब डिस्टेंस वो होता है जब कोई बॉडी कोई पाथ ट्रेवल करती है, ठीक है, डायरेक्शन नहीं होती, याद रखना डायरेक्शन नहीं डिफाइन कर रखी यहाँ पर, तो वो आपका क्या कहलाता है, डिस्टेंस कहलाता है। अब उसी दौरान हम लोग बात करते हैं किसके बारे में बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। इसे ताले लगाओ बच्चों, पॉज करके। डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस में ये भी लिख लो, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। आगे बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हम लोगों ने अभी सबसे अच्छा वही दोबारा एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, वो शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजिशन। मतलब चलो यहां देख लेते हैं, पहले समझ लेते हैं बाद में डेफिनेशन लिख लेते हैं। यहां पर आपके पास थे आप यहां पर, ठीक है बच्चों, ये आप कहां जा रहे थे, दिल्ली, दिल्ली से कहां जा रहे थे आप लोग, गोवा की तरफ जा रहे थे। तो यहां पर वो कितना डिस्टेंस था, 200 किलोमीटर, यहां पर हम मान लेते हैं 300 किलोमीटर, यहां मान लेते हैं हम लोग कौन सा पाथ था, 450 किलोमीटर, ये कौन सा पाथ था आपके पास,
400 मान लेते हैं हम लोग और ये मान लेते हैं हम लोग कौन सा 500 किलोमीटर। अब ये सारे पाथ है, देखो सबसे छोटा पाथ कौन सा है, सबसे छोटा वाला पाथ कौन सा है, सबसे कम डिस्टेंस वाला, ये वाला 200 किलोमीटर। तो जब और आपको ये भी पता था कि डायरेक्शन कौन सी होगी, ये वाला भाई, ड्राइवर ने ये सोचा कि मैं उसी लाइन पर चलूंगा, उसी पाथ पर चलूंगा जो सबसे छोटा होगा, मेरा टाइम भी बचेगा। तो मतलब उसने डायरेक्शन डिफाइन कर दी और उसको मैग्नीट्यूड भी पता था, तो वेक्टर क्वांटिटी ये पता चल गया। डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है, डिस्प्लेसमेंट ये कहता है कि जो उसकी इनिशियल पोजीशन, द शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन कौन सी उसकी, ये वाली, फाइनल पोजीशन कौन सी उसकी, ये वाली। तो शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, वो आपका क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ठीक है बच्चों, समझ आ गया। सबसे छोटा पाथ जिस पाथ पे कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल्ड करेगी फ्रॉम इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन तक, वो आपका क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन डिस्टेंस क्या कहलाता है, सिर्फ पाथ ट्रेवल्ड किया है किसी ऑब्जेक्ट ने, डजंट मीन कौन सी डायरेक्शन है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिख लेते हैं कौन सा, द शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल पोजिशन टू फाइनल पोजिशन, इनिशियल पोजिशन टू फाइनल पोजिशन। ठीक है बच्चों, इनिशियल पोजिशन से लेके फाइनल पोजिशन से कौन सा पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ, सबसे छोटा पाथ। ठीक है, और इसी का फॉर्मूला हम लिख लेते हैं, जो आपका डिस्प्लेसमेंट है उसे हम x से डिनोट करते हैं, या तो हम x से डिनोट करते हैं या फिर s से कर देते हैं, कैपिटल s से कर देते हैं, आप इसे भी डिफाइन कर सकते हो। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पहले ये लिख लेते हैं, इट इज अ कौन सी क्वांटिटी है, ये इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। चलिए, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसका छोटा सा फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपके पास, हम x से भी डिनोट करते हैं और कैपिटल s से भी डिनोट कर देते हैं, तो वो होता है आपका फाइनल पोजीशन, जहां की फाइनल पोजीशन थी, माइनस इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। हमने क्या पढ़ा था, सारी की सारी स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, हमेशा ऐड होती रहती है, ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, जीरो भी होती है, मैंने बताया था, प्लस भी होती है और माइनस भी होती है, वो कैसे होती है हम यहाँ डिफाइन करेंगे। इसका फॉर्मूला नोट कर लेना है, ये पूरा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, हम ये डिफाइन करेंगे, आपकी डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होगा, डिस्प्लेसमेंट प्लस कब होगा, डिस्प्लेसमेंट माइनस कब होगा। ठीक है बच्चों, इसे उतार लो, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमारा मेन मोटिव क्या है कि डिस्प्लेसमेंट को ये दिखाना कि पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, यहां करते हैं डिस्प्लेसमेंट। अभी आपने क्या पढ़ा, इसका फॉर्मूला s और x इक्वल्स टू क्या, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है बच्चों, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, एक लाइन बना लेते, यह हमारे पास लाइन है। ठीक है बच्चों, यहां पर वो जीरो किलोमीटर, मैं मान लेता हूं जीरो किलोमीटर एक बंदा खड़ा हुआ है यहां पर, और यहां पर पहुंचा तो मान लेते हम लोग 10 किलोमीटर। ठीक है, यहां से आता का डिस्टेंस कितना, 10 किलोमीटर। अब याद है, ये आपके पास ये बंदा यहां खड़ा हुआ है, बिल्कुल यहां खड़ा हुआ बंदा, आ गया यहां पर, उसी कौन सी पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन, वो कहां से कहां चला, वो यहां से कहां चला, किस डायरेक्शन में चला, इस डायरेक्शन में चला। तो जब इस डायरेक्शन में चला, उसने कहां से कहां चला, यहां से लेके यहां तक चला, कितने किलोमीटर चला,
10 किलोमीटर तक चल लिया, उसकी इनिशियल पोजीशन कौन सी थी, ये वाली इनिशियल पोजीशन उसकी कौन सी है, ये वाली। कब, जब वो यहां से यहां जा रहा है, फाइनल पोजीशन कौन सी उसकी, ये वाली। ठीक है बच्चों, इसकी इनिशियल पोजीशन ये वाली है क्योंकि वो यहां से चल रहा है, कहां जाएगा इस डायरेक्शन में, उसकी फाइनल पोजीशन कौन सी, ये वाली। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो यहां पर आपके पास x की वैल्यू क्या हो गई, फाइनल की वैल्यू क्या है, 10 हो गई, इनिशियल पोजीशन की वैल्यू क्या है, 0 0। तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 10 माइनस 0 कितना हो गया, प्लस का 10 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, यहां वैल्यू क्या आ गई, प्लस की, बिल्कुल समझ आया। ठीक है, अब बात करते हैं कि वो अब कहां से कहां आ रहा है, यहां से यहां आ रहा है, वो कहां से कहां आ रहा है, यहां से यहां आ रहा है, वो बंदा यहां से पीछे की तरफ आ रहा है, अपने घर की तरफ। ठीक है, अब उसकी इनिशियल पोजीशन क्या होगी, ये होगी या ये होगी, ये वाली होगी, क्योंकि कहां से आ रहा है वो, यहां से आ रहा है। तो उसकी, जब वो यहां से यहां गया, तो उसकी इनिशियल पोजीशन हो गई ये वाली, इनिशियल पोजीशन। ठीक है, फाइनल कौन सी हो गई, ये वाली, फाइनल पोजीशन कौन सी हो गई, ये वाली। ठीक है बच्चों, अब यहां देखो दोबारा फॉर्मूला, यहां पर जब दूसरी कंडीशन, ये तो फर्स्ट पार्ट, ये दूसरे के पास है, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, फाइनल पोजीशन कौन सी आपकी, ये वाली, मतलब 0। इनिशियल पोजीशन कौन सी, ये वाली, माइनस का कितना, 10। कितनी वैल्यू आ गई, माइनस का 10 किलोमीटर। देखा बच्चों, यहां जब वो यहां से यहां चला तो पॉजिटिव का 10, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आया, जब वो यहां से यहां चला तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, नेगेटिव आ गया। ये दो चीज प्रूव हो गई, अब हमें प्रूव करना है कि 0 कब आएगा। देखो, जब वो बंदा यहां से यहां चला, ठीक है, उसकी इनिशियल पोजीशन कौन सी, ये वाली, 0। फिर घूम घाम के आया, वापस कौन सी पोजीशन पे आ गया, ये वाली पोजीशन पे, तो उसकी इनिशियल पोजीशन पे यही और फाइनल पोजीशन पे यही। एग्जाम्पल देखते हैं, अगर एक सर्कल फील्ड है, एक फील्ड है जो रेसिंग वाला फील्ड होता है, वो बनता है, यहां पे रेस स्टार्ट हुई यहां से, ठीक है, यहां से रेस स्टार्ट हुई, उसकी इनिशियल वो खत्म करके वो पहले यहां जाएगा, फिर घूम घाम के वापस कहां आएगा, यहीं आएगा, उसकी इनिशियल पोजीशन भी यही है, वापस आने पर भी फाइनल पोजीशन भी कौन सी, ये वाली, मतलब जो इसकी 0 इनिशियल पोजीशन थी वही उसकी कौन सी पोजीशन है, फाइनल पोजीशन। इसका मतलब आपका दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, अगर कोई भी बंदा या कोई भी ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर फील्ड में मूव करता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो इसकी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन कितनी आ गई आपका, 0। तो हमें यह पता चल गया कि आपके पास डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी आता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, और आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, 0। और डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर, वेक्टर हमेशा आपका 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो आपका क्या होता है, ये होता है। ठीक है, समझ आया बच्चों। और डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर क्वांटिटीज होती है, वो हमेशा ऐड होती रहती है। ठीक है बच्चों, इसे काट लो। ठीक है बच्चों, तो आ गया, बहुत बढ़िया, सब समझ आ गया, बहुत बढ़िया। कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे डाउट पूछ सकते हैं मेरे से। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि जितने भी आपके 9th क्लास से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स आएंगे, जितने भी वीडियो लॉन्च करूंगा, वो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और हाँ, साइड में घंटा आता है ना, घंटे को दबाना मत भूलना, घंटा टन 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 टन। ठीक है, ठीक है, अब बात करते हैं आगे वाले टॉपिक की। मजा आ रहा है, इंटरेस्टिंग सारे टॉपिक्स, मजे में करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम आता हम खड़े हैं यार, किस बात की टेंशन है। हमेशा याद रखना, निशा आंसर आपके साथ है। तो अब बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन की। कई बार पूछ ले जाता है कि यूनिफॉर्म मोशन होता कौन सा है, यूनिफॉर्म मोशन का एक होता है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है बच्चों, हम पढ़ लेते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन कौन सा होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन कौन सा होता है। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं, मोशन समझ आ गया, डिस्टेंस समझ आ गया,
डिस्प्लेसमेंट समझ आ गया, ये भी स्केलर वेक्टर सब समझ आ जाएगा, बस अब पढ़ते रहो ठीक है। बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन की। देखो अच्छा यूनिफॉर्म मोशन होता कौन सा, पहले चलो एग्जांपल ले लेते हैं फिर बाद में डिफाइन करेंगे कौन सा होगा ठीक है। तो यहां पर यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं। मैंने एक पाथ बना लिया दोबारा सा, सस्ता वाला सस्ता टिकाऊ, ये मैंने बना लिया कि ये जीरो, ये आपके पास मान लेते हैं टेन, ये आपके पास 20 किलोमीटर, ये आपके पास 30 किलोमीटर, ये आपके पास 40 किलोमीटर, ये मान लेते हैं हम लोग डिस्टेंस ठीक है, ये मान लेते हैं हम लोग क्या डिस्टेंस, और ऊपर ले लेते हैं हम लोग क्या टाइम ले लेते हैं, ऊपर हम लोग ले लेते हैं टाइम, जो टाइम चलो उसके अलग से लाइन बना लेते हैं, जीरो 5 सेकेंड और 10 सेकेंड, ये हो गया आपके पास 15 सेकेंड, ये आपके पास कितना हो गया 20 सेकेंड, ये पूरा किसका है टाइम ठीक है बच्चों। और यहां पर एक बना लेते हैं गाड़ी, बहुत बढ़िया वाली गाड़ी है ये, पैसों में लिया मैंने अभी लिया पैसों में, मैंने खरीद ली ना गाड़ी ठीक है। अब देखो ये गाड़ी जो जब चल रही होगी, ये गाड़ी यहां पर मान लेते हैं, ये गाड़ी कहां पर है, यहां पर मान लेते हैं, चलो यहां मान लेते हैं गाड़ी, ये गाड़ी आपकी यहां पर है अभी, ये मैंने ठीक है, यहां पर ऊपर वाली लाइन किसकी है टाइम की, नीचे वाली लाइन किसकी है डिस्टेंस की, ग्राफ भी देखेंगे इसका। तो यार जब कोई गाड़ी इस इनिशियल पोजिशन पर, तो मतलब वो रेस्ट पर है, यहां से यहां पहुंच रही है, अगर डिस्टेंस की बात करते हैं तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 10 किलोमीटर, यहां से यहां तक का कितना डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का 10 किलोमीटर, यहां से यहां तक का कितना डिफरेंस आ रहा है 10 किलोमीटर का, भाई यहां से यहां चली 10, यहां से यहां चली 10, यहां से यहां चली 10, यहां से यहां चली 10-10 किलोमीटर वो बढ़ती गई आगे। और टाइम भी देख लो, जब वो यहां से टाइम निकली तो 5 सेकेंड, यहां भी 5 बढ़ गया, यहां भी 5 बढ़ गया और आगे भी 5 बढ़ गया। जब कोई भी ऑब्जेक्ट, ध्यान सुनते रहना, जब कोई भी ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस ट्रेवल करता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस ट्रेवल करता है सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, उस मोशन को हम कहते हैं कौन सा, यूनिफॉर्म मोशन। समझ आ गया बच्चों, देखो दोबारा से, जब कोई ऑब्जेक्ट था, यहां पर गाड़ी थी, वो यहां से यहां तक गया 10 किलोमीटर चला, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, डिफरेंसेस कितने कितने आए यहां से यहां तक 10 का, 20 में से 10 गए 10, 30 में से 20 गए 10, 40 में से 30 गए 10, मतलब 10 किलोमीटर वो इंक्रीज करता जा रहा था, इक्वल कर रहा था भाई 10 यहां 10 यहां 10 यहां 10 यहां। टाइम देखते हैं, जब यहां से यहां पहुंचा 5 सेकेंड, यहां से यहां पहुंचा 10 सेकेंड, 10 से 15, 15 से 20 सेकेंड, यहां से कितना टाइम इंक्रीज हो रहा है 5-5 सेकंड का, बढ़ता ही जा रहा है भाई, यहां 5 बढ़ा 10 हो गया, 5 बढ़ा 15, 5 बढ़ा 20। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस ट्रेवल करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, वो मोशन होता है कौन सा, यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर हो गया बच्चों, बिल्कुल ध्यान से। तो हम डेफिनेशन लिख लेते हैं कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव इक्वल डिस्टेंस, मूव विद इक्वल, या फिर मूव विद इक्वल डिस्टेंस विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है इक्वल डिस्टेंस पर और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, उसे हम कौन सा मोशन बोलते हैं, दैट मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है बच्चों, कौन सा मोशन है आपके पास, यूनिफॉर्म मोशन। ग्राफ देख लेते हैं, हमारे पास ग्राफ है, ग्राफिकल मेथड देख लेते हैं हम लोग, ग्राफिकल मेथड, ठीक है बच्चों, ये आपके पास कौन सा टाइम, ये आपके पास कौन सा डिस्टेंस,
हम टाइम और डिस्टेंस को लेके चलते हैं, जीरो था ठीक है, यहां पर कितना है टाइम, हमने कौन कौन सा 5 सेकेंड 10 सेकेंड 15 सेकेंड 20 सेकेंड ठीक है, ये सेकेंड में चल रहा है। यहां कितना इंक्रीज हो गया आपके पास 10 20 30 और ये कितना हो गया 40 किलोमीटर में चल रहा है आपका। अच्छा जब वो बॉडी कहां पहुंची बबुआ, जब वो बॉडी यहां पहुंची 5 सेकेंड, टाइम तो इंक्रीज होता रहेगा डिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, जब वो 5 सेकेंड पे थी तो डिस्टेंस कितना चला 10, जब वो यहां पहुंची 10 सेकेंड पे तो ये कितना होगा ये, जब यहां पहुंची तो ये डिस्टेंस कितना होगा ये, 20 सेकेंड पे कितना पहुंचा वो 40 पे। तो इसका ग्राफ कैसा आ गया बेटा, इसका ग्राफ आ गया सीधा, बिल्कुल बिल्कुल सीधा ग्राफ आ गया ठीक है बच्चों। तो जब भी यूनिफॉर्म मोशन की बात होती है डिस्टेंस भी सेम चलता है और टाइम भी रेगुलर चलता रहेगा, तो ग्राफ कैसे आएगा बिल्कुल स्ट्रेट आएगा, बिल्कुल सही बेटा, इसे उतारो बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए ठीक है। ओके बेटा जल्दी उतारो, पॉज करके उतार लेना। ठीक है अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, हम बात करते हैं कौन सा नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बात करते हैं, यहीं से बात कर लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। मैं टाइम को 5 यहां ले लेता हूं, मैं 15 यहां ले लेता हूं, दोबारा 20 ठीक है, अब याद है यहां ले लेता हूं मैं कितना 40 ले लेता हूं ठीक है। अब याद है नॉन यूनिफॉर्म मोशन कौन सा होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन होता है आप बेशक डिस्टेंस उसका सेम चल रहा हो, डिस्टेंस वो ऑब्जेक्ट ट्रेवल जो कर रही है वो सेम कर रही है, लेकिन टाइम देखो टाइम में वेरिएशन आ रहा है, टाइम में वेरिएशन क्या आ रहा है, पहले यहां कितना था 5 ठीक है, टाइम में वेरिएशन देखो कितना आ गया, यहां से यहां चला 5 सेकेंड, फिर 5 सेकेंड से इंक्रीज कितना हो गया 15, कितने का डिफरेंस आ रहा है, कितने का डिफरेंस आ रहा है 10 का डिफरेंस आ रहा है, यहां देखो 15 से फिर 5 का आ रहा है, फिर यहां डिफरेंस कितना आ रहा है 20 का डिफरेंस आ रहा है, टाइम इंटरवल में चेंजेस आ रहे हैं लेकिन डिस्टेंस क्या चल रहा है सेम चल रहा है। जब कोई भी बॉडी डिस्टेंस सेम ट्रेवल करती है ठीक है, सेम डिस्टेंस ट्रेवल करती है लेकिन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, वो आपका क्या कहलाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, या फिर अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है और टाइम इंटरवल क्या चलेगा सेम, उल्टा भी हो सकता है कि यहां पर डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी कम या ज्यादा, यहां सेम टाइम ट्रेवल करेगी, वो कौन सा मोशन होता है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। समझ आया, यूनिफॉर्म मोशन कौन सा, वो मोशन जब ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रही है सेम डिस्टेंस सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, वो आपका यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन कौन सा, जब आपका टाइम चेंज हो रहा है लेकिन डिस्टेंस सेम चल रहा है, या फिर उसका उल्टा, या टाइम सेम चल रहा है या डिस्टेंस चेंज हो रहा है, वो आपका कौन सा मोशन होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एंड ऑब्जेक्ट मूव विद अनइक्वल डिस्टेंस या फिर इक्वल डिस्टेंस, चलो इक्वल लिख लेते हैं ऊपर की बात कर रहे हैं, इक्वल डिस्टेंस विद अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट मोशन इज कॉल्ड कौन सा मोशन हो गया बेटा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यहां ग्राफ देख लेते हैं, देखो डिस्टेंस और लिख लेते हैं यहां पर वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है उल्टा, कि आप डिस्टेंस भी अनइक्वल हो सकता है और आपका टाइम भी चेंज हो सकता है, तो यहां पर आपके पास इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और वाइस वर्सा भी लिख सकते हैं हम लोग, और वाइस वर्सा इसका उल्टा भी हो सकता है, डिस्टेंस अनइक्वल और टाइम इक्वल ठीक है, तो ये हो गया बेटा दैट मोशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ग्राफ देख लेते हैं, इसका ग्राफ कैसा आया बेटा, देखो टाइम कितना चल रहा 5, यहां कितना हो गया उसी पॉइंट पर 15, ये कितना हो गया आपके पास 20, ये कितना हो गया आपके पास 40। अब देखो बेशक डिस्टेंस सेम चल रहा है, यहां 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 सेम चल रहा है लेकिन टाइम इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब उसकी ग्राफ कैसा आएगा, कुछ इस टाइप से आएगा। देखो कैसे, जब वो यहां था लेकिन टाइम क्या चल रहा था ये था, अब बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, देखो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है भाई, यहां पे इक्वल बना हो गया यहां पर, ये देखो 5
दस, पंद्रह, बीस, पच्चीस और ये कितना हो गया आपके पास 30, आगे चलता रहेगा 40। याद है जब वो 10 पे था तो किस पे था वो 5 सेकंड, ठीक है ये रहा 5 सेकंड। जब वो कितने डिस्टेंस पे पहुंच गया 20 किलोमीटर, जब वो 20 किलोमीटर पे पहुंच गया वो कहां से बता 15, देखो कितना वेरिएशन आ रहा है यहां से यहां वेरिएशन। और जब वो 30 पे पहुंचा, जब वो किस पे पहुंचा किलोमीटर पर 30 पे पहुंचा तो टाइम किस पे चला था 20, देखो कहां आ रहा वेरिएशन, ये हो गया ये यहां पर हो गया। फिर आगे बढ़ता गया वो कुछ ऐसे जाएगा, देखो ग्राफ कैसे आया, ये ग्राफ ऐसे आया कुछ कुछ इस टाइप से आया ग्राफ, बिल्कुल देखो ठीक है। जब भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात आएगी तो ग्राफ कैसे आएगा, बिल्कुल ऐसे आएगा, इसे ड्रॉ कर लेना, ये ग्राफ कैसे आएगा कुछ इस टाइप से ग्राफ आएगा ठीक है बच्चों। तो ये आपका कौन सा मोशन हो गया, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन ठीक है बच्चों। इसे बता लेना आज के लिए इतना, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पर लिख सकते हो, मैं उसे क्लियर कर दूंगा ठीक है बच्चों। Thank you.